माने जो असली धर्म है सनातन धर्म है, सनातन धर्म की चर्चा नहीं करते, धर्म का मतलब क्या उसकी बात नहीं करते, हिंदू शब्द के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते, हिंदू कोई धर्म नहीं है। माने धर्म के नाम पर जो समाज को बांटने का काम करे, समाज का शोषण करने का प्रयास करे, हक और अधिकार छीनने का प्रयास करे, वो धर्म नहीं हो सकता। वो तो नाम के आधार पर ही माने देश को बांटना चाहते हैं, देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, तरह तरह के नारे देंगे, गरीब की बात करेंगे, नारा गरीब का देंगे, शोषण गरीब का होगा, हक अधिकार के गरीब की बात करेंगे लेकिन हक अधिकार गरीब का छीना जाएगा। तो नारे भर केवल देते, नारे पर विश्वास करते, काम पर विश्वास नहीं करते। माने मोदी जी जो है तो इसकी भी भरपाई पूंजीपतियों का नुकसान होगा तो कर देंगे, लेकिन उसका हिस्सा गरीब से ही जाएगा, गरीब का ही शोषण होगा, गरीब का हक अधिकार जाएगा, तभी तुम्हारे पूंजीपति बढ़ेगा है। और देश की जनता भी समझ गई है कि ये माने नकली माने उससे काम नहीं चलेगा, वो नकली ओबीसी हैं, असली ओबीसी नहीं है। असली ओबीसी होते तो ओबीसी के हक अधिकार की बात करते, अधिकार देते, असली ओबीसी होते तो ओबीसी के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते। तो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को उठाया कि जनगणना होनी चाहिए, जब कुत्ते की बिल्ली की जानवर की जनगणना हो सकती है तो क्या इंसान की जनगणना क्यों नहीं होती। नहीं तो है तो पर्दाफाश हो रहा है, देखिए ना सर, मजदूर लोग क्वेश्चन करने लगे, प्रश्न करने लगे, उनकी पोल खोलने लगे हैं। हाँ। पहले तो कुछ होता ही नहीं था, अब पोल खोलने लगे हैं, मतलब उसकी सच्चाई को जानने लगे हैं। अगर उनकी सच्चाई को जान जाएंगे तो उसमें गुमराह नहीं होगी बाबाओं की, उसमें बाबाओं की चाल नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की। अब देश में चुनाव के दौरान जो है विकास के मुद्दों की बात तो होती नहीं है, सिर्फ धर्म की बात होती है। ये विकास का मुद्दा तो केवल नारा है और धर्मांधता का विकास हो रहा है, लोगों को गुमराह करने का विकास हो रहा है, गरीबों को गरीब बनाने का विकास हो रहा है, पूंजीपतियों को मजबूत करने का विकास हो रहा है। बाकी जो विकास होना चाहिए, इंसानियत का विकास होना चाहिए, गरीब का हक अधिकार मिलना चाहिए, उसका स्वाभिमान सम्मान मजबूत होना चाहिए, इसका तो मिल नहीं रहा। लेकिन मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री सर। तो फ्री दे करके उनकी मानसिकता को, जैसे अंग्रेज आए थे ना तो यहाँ चाय पिलाते थे, फ्री बांटते थे, और चाय पिलाने का मतलब था कि उनको आदि बना दो तो हमारा धंधा चलेगा। अब आप देखते हैं वही चाय लोग जो पीते नहीं थे आज इतने आदि हो गए कि माने करोड़ों अरबों का धंधा चल गया। तो ये मोदी जी की चाल है कि इनके जो विचार है उसको गुलाम बना दो, उसको निष्क्रिय कर दो, और ये भलाई का काम नहीं है, उनको पंग बनाने का, वैचारिक रूप से पंग बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सर मोदी सरकार धर्म को मजबूत कर रही है, वह रोजाना मंदिरों में चले जाते हैं। धर्म के मंदिर में जाना धर्म नहीं है, धर्म है कि इंसानियत क्या है, इंसान की भावना को, इंसान के जो धर्म का मतलब होता है सहयोग, परोपकार, मदद, ये धर्म का मतलब होता है, ये धर्म नहीं है। मंदिर बना देना धर्म नहीं है, मंदिर के अंदर होता क्या है, कौन सी विचारधारा लेकर के जाते हैं, वहाँ शोषण होता है, उससे लोग भटकते हैं धर्मांधता में, क्या होता है। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का नाम लेकर के धर्मांधता में लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। क्या धर्म जरूरी है आदमी के लिए? धर्म जरूरी है, धर्मांधता नहीं है, ये धर्म नहीं है, धर्मांधता है। अच्छा, तो मोदी जी जो जा रहे हैं मंदिरों, फिर क्या होगा सर, वोट मिलेंगे इसमें? मंदिर में जाने से धर्मात्मा नहीं हो जाता है, धर्म का पालन करता है कि नहीं करता वो महत्वपूर्ण होता है। मंदिर में जाना तो चोर भी चला जाता है, झूठ बोलने वाला भी चला जाता है, क्या वो धर्मांधता धार्मिक हो जाता है? 24 से पहले मंदिर बन जाएगा सर यूपी में? मंदिर नहीं, 24 के पहले 1000 मंदिर बन जाए, लेकिन जो मंदिर का काम है वो मंदिर से मिलना चाहिए, वो धर्म है। तो जहाँ से धर्मांधता मिलती है उसे के मत्थे परिवर्तन नहीं होगा, उसके मत्थे सत्ता पर जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठे। विपक्ष के पास में हिंदू धर्म की काट क्या है और हिंदू मुस्लिम की काट क्या है? हिंदू धर्म दुनिया में, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये धर्माचार्यों से पूछे सब बताते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है तो सनातन है, और सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है ये अब लोग समझ गए हैं। लेकिन हिंदू के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है। नहीं, हिंदू वही बता रहे हैं ना कि हिंदू का मतलब क्या होता है। माने जो असली धर्म है सनातन धर्म है, सनातन धर्म की चर्चा नहीं करते, धर्म का मतलब क्या उसकी बात नहीं करते, हिंदू शब्द के नाम पर जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अच्छा, लेकिन सर पूरे देश में तो जो मनाया जा रहा है। नहीं तो वही ना कह रहे हैं कि धर्म मनाया जा रहा है, धर्म और धर्मांधता भी अंदर है, धर्म का किसी को विरोध नहीं है, धर्मांधता का विरोध है ये मैं कह रहा हूँ। और धर्म जो है सनातन धर्म है, जो इंसान को इंसान से जोड़ती है, इंसान में भेदभाव नहीं करती है, किसी में किसी तरह का द्वेष नहीं होता है, वो धर्म होता है। लेकिन जो धर्म जो है माने धर्म के नाम पर जो समाज को बांटने का काम करे,
समाज का शोषण करने का प्रयास करे, हक और अधिकार छीनने का प्रयास करे, वो धर्म नहीं हो सकता। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में सर मोदी जी के द्वारा। अमृत मना ले चाहे कुछ भी मना ले, महोत्सव तो अपने हाथ में है, किसी नाम से मना ले। वो तो नाम के आधार पर ही माने देश को बांटना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। तरह तरह के नारे देंगे, गरीब की बात करेंगे, नारा गरीब का देंगे, शोषण गरीब का होगा, हक अधिकार के गरीब की बात करेंगे लेकिन हक अधिकार गरीब का छीना जाएगा। तो नारे भर केवल देते, नारे पर विश्वास करते, काम पर विश्वास नहीं करते। शास्त्री ने कहा कि आप मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो हिंदू राष्ट्र कहने से, अगर हिंदू शब्द कहने से गरीब का भला हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरतें नहीं है। फिर रोटी की क्या जरूरत है, प्रतिभा की क्या जरूरत है, स्कूल की क्या जरूरत है, मेरिट की क्या जरूरत है। सर मोदी जी के दोस्त कहे जाते हैं अडानी और अंबानी, धड़ाम से शेयर गिर गए हैं उनके और जो सातवें नंबर पर आ गए हैं रिचेस्ट लिस्ट में। नहीं तो गिर गए हैं तो मोदी जी उपकार करेंगे, उसको माफ कर देंगे, जितना नुकसान हुआ मोदी जी दे, यही तो कर रहे हैं भाई। किसान का जो है बिजली का बिल बकाया रह जाता है, किसान को जेल भेज दिया जाता है, किसान का कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन पूंजीपतियों का अरबों खरबों का बिल बकाया रह जाए, किसी का कनेक्शन कटा है? आम आदमी ये सबसे ज्यादा कर्जा बैंक से लेते हैं और एक पैसा पटाते नहीं, उस कर्जे से लाखों अरबों रुपए की कमाई होती है। इसके बाद जो भी सरकार उनको मदद करती है, उनको पैकेज देती है, इसको क्या कहेंगे? इसको गरीब ही तैसी कहेंगे, पूंजीपति ही तैसी कहेंगे? आम आदमी डर रहा है कि SBI का रुपया डूब गया, LIC का रुपया डूब गया है अडानी की वजह से। नहीं तो गरीब का तो सब डूबना है, गरीब का ही डूबो करके उनको बनाते हुए मैंने कहा ना कि माने मोदी जी जो है तो इसकी भी भरपाई पूंजीपतियों का नुकसान होगा तो कर देंगे, लेकिन उसका हिस्सा गरीब से ही जाएगा, गरीब का ही शोषण होगा, गरीब का हक अधिकार जाएगा, तभी तुम्हारे पूंजीपति बढ़ेगा। अगर गरीब गरीब होगा उसका जो हक मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, वही हिस्सा तो जाएगा पूंजीपतियों की मदद में, पूंजीपति और मालामाल होगा। OBC जाग रहा सब लोग ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल जाग रहा है, जग गया OBC। अब 24 में जो है वो बता देगा कि OBC कितना जगह है, ये मालूम हो जाएगा। मोदी जी भी OBC हैं सर? ये OBC की हमारी पहचान जो है, और देश की जनता भी समझ गई है कि ये माने नकली माने उससे काम नहीं चलेगा, वो नकली OBC हैं, असली OBC नहीं है। असली OBC होते तो OBC के हक अधिकार की बात करते, अधिकार देते। असली OBC होते तो OBC के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते, लेकिन जहाँ पिछड़ों का हक अधिकार मारा जाए, उनका हक अधिकार का शोषण हो, स्वाभिमान सम्मान पर चोट पहुँचे, वो पिछड़ा हो ही नहीं सकता है, वो नकली पिछड़े हैं। योगी जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म हो गया है। सनातन धर्म की तो मैं बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म की बात, धर्म का नाम लेते हैं लेकिन धर्म क्या कहता है, धर्म की परिभाषा क्या है, इससे उनको कोई मत ये लागू नहीं करते कि धर्म क्या कहता है। धर्म क्या इंसान इंसान में भेद की बात करता है? धर्म क्या गरीब अमीर की बात करता है? क्या धर्म के आधार पर गरीब उपेक्षित होता है? क्या धर्म के आधार पर मंदिर में जाने का अधिकार दलित को नहीं है? क्या ये धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है? ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्मांधता है। तो वो धर्म का नाम लेकर के धर्मांधता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जात गिनने से जो है सरकार योजना बनाती है, कोर्ट में जाता है, आरक्षण देती है, न्यायालय कहता है कि हमें आंकड़े दिए जाएं, हमें जानकारी दी जाए, और सरकार के जवाब चला जाता है कि अधिकृत आंकड़े नहीं है, अधिकृत संख्या नहीं है। तो इस वजह से जो भ्रम खत्म हो जाएगा कि उसके आधार पर जो बजट होता है, जो विकास होता है, उसके आधार पर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहाना सरकार का नहीं चलेगा। सर इस समय पूरे देश में धर्म की बातें चल रही है, क्या जातिगत जनगणना जो एक अहम मुद्दा है SC OBC के लिए, वो क्यों नहीं चल रहा है सर? नहीं तो वही ना कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को उठाया कि जनगणना होनी चाहिए। जब कुत्ते की बिल्ली की जानवर की जनगणना हो सकती है तो क्या इंसान की जनगणना क्यों नहीं होती, उसमें क्या दिक्कत है? जबकि इसके आधार पर जनगणना पहले होती थी। और दूसरा अगर ईमानदारी की बात यह है कि सबको ख़त्म करना है तो फिर मेरिट वाले एजुकेशन, अमीर और गरीब के जिस तरह से अंबानी के बेटे को शिक्षा मिलती है, उसी तरह से एक दलित के बेटे को, उसी तरह से किसान के बेटे को, उसी तरह की शिक्षा एक गरीब से गरीब चाहे कोई भी हो उसको भी उसी तरह की शिक्षा, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कर दिए तो फिर रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं, मेरिट बेस्ड सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन जब तक विषमता रहेगी तब तक आरक्षण जरूरी है, आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन सर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है अब तो सर देश में? हाँ तो वही ना कह रहे हैं कि बनने से, मैंने विचारों से कहा कि पहचान उससे नहीं होगी। अगर धन के आधार पर, पूंजी के आधार पर, जात के आधार पर, वो उसकी गिनती नहीं होगी, गिनती होगी उसके उसका विचार कैसा है। मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। तो वही ना कहे पिछड़े वर्ग है ना, जब चुनाव आते कहते हैं हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग के होते हुए कहे कि नकली है,
पिछड़े वर्ग के होते तो पिछड़े वर्ग को हित की बात करते, पिछड़े को हक अधिकार दिलाते। कभी नकली बताते हैं सर, अभी जात नकली बता रहे हो आप क्या? कभी कह रहे नकली डिग्री है उनकी, अब जात नकली बता रहे हो। नहीं तो डिग्री तो हमने जान नहीं किया, लेकिन डिग्री में भी सवाल उठा है, उसका भी जवाब दे नहीं पाए हैं। मैं तो अच्छा। जात की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, 128 सांसद हैं।